तुम अवश्य आओगे चंद्र, हर बाधा हर संकट को पार करके आओगे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं अपना ऋण चुकाने। दीपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। सम्राट धनानंद की जय है। पिपलीवान का राजा, पिपलीवान का राजा, पिपलीवान। आज इस दास का अंतिम दिन होगा। चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगधपति का भाई पांडु, जो चंद्रगुप्त से प्रतिकार का अवसर ढूंढ रहा होगा। और दूसरी ओर है स्वयं धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है, तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे। ये एक नरभक्षी शेर है बहना, और इसके साथ आया ये व्यक्ति इसके गले में ये छल्ला डालेगा। अद्भुत, रोमांचकारी होगा ये, है ना भाई? कर्तव्य आरंभ किया जाए। अब मेरा मंतव्य पूर्ण होगा भ्राता। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी है, धीर भी, वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान, सूर जैसा शौर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मेरा कंगन, चंद्रगुप्त
यही यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं आपकी बात से सहमत हूं आचार्य, किंतु जो योजना आपने सुझाई है उसमें अत्यधिक संकट है। सिंह के मुख में हाथ डालने के समान। धनानंद कोई सिंह नहीं है शतकार, रक्त का प्यासा भेड़िया है वो। और यदि मातृभूमि की रक्षा करनी है इस भेड़िये से, तो किसी को तो उस भेड़िये के मुंह में हाथ डालना ही होगा। मैं एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास कोई सैन्य बल नहीं है, पूंजी के नाम पर यदि कुछ है तो अब तक के जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रण किया है, जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूँ कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। परंतु यदि चंद्रगुप्त को आने वाले कल में सम्राट बनना है तो आज जीवित रहना होगा, और चंद्रगुप्त को जीवित रखने के लिए मैं अपनी इस योजना को अवश्य पूर्ण करूंगा बिना किसी भय या संशय के। कैसे राजकुमार हो तुम? जिसके पास अपनी तलवार तक नहीं। सत्यवत, तुम राजकुमार हो या नहीं बताओ। यदि धनानंद की बहन को ज्ञात हो गया कि मैं वास्तविक राजकुमार नहीं हूं तो मैं संकट में आ जाऊंगा। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। मुझे शीघ्र ही चंद्रगुप्त को ढूंढना होगा। बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। इस स्थान पर मुझे अपनेपन की अनुभूति क्यों होती है? आर्य की तलवार कहाँ है? पीपलीवान नरेश की तलवार को किसने स्पर्श किया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। माता और संतान के बीच का संबंध कभी असत्य नहीं होता। देखा, इस स्त्री पर ये पीड़ा का भाव देखा? यही भाव मैंने मूरा के मुख पर देखा था जब वो एक दिन का राजकुमार सिंह से लड़ रहा था। नहीं। आपका ये तात्पर्य है
की संभावना है कि वो बालक मोरा का खोया हुआ पुत्र है। धन्यवाद। कहते हैं कि तलवार काटती है, पर आज मैं तुम्हारे ही कारण मैं अपनी उस मां से मिल पाऊंगा। जिसके साथ मेरे संबंध कटे हुए हैं,